स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 7th 8th के लिए मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर 18 को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट ट्रायंगल इज द मोस्ट रिजिड फिगर। इट मींस ऑफ दैट हमें यहां परफॉर्म करना है, यह सत्यापित करना है कि जो त्रिभुज है वो सबसे अधिक सुदृढ़ आकृति होती है। इसके लिए हम साइकिल की कुछ तीलियां या फिर लकड़ी की डंडियां या धातु की सिक्के इत्यादि को हम लेते हैं और वॉल ट्यूब के कुछ टुकड़े लेते हैं। इसके लिए हम 10 सेंटीमीटर की पर्याप्त संख्या में लकड़ी की डंडियां लेते हुए और 3 सेंटीमीटर के वॉल्व ट्यूब को काटते हुए इस ट्रायंगल के फिगर को, क्वाड्रिलेटरल के फिगर को, हेक्सागोन और पेंटागोन के फिगर को हम बनाते हैं। और इसमें हम अगर हम देखें तो यदि हम ट्रायंगल को इस पॉइंट से या वर्टेक्स से अगर हम दबाएं तो ट्रायंगल का जो फिगर है वो अपने शेप को चेंज नहीं करता, बट जो स्क्वायर वो अपने शेप को चेंज कर देता है। यदि हम इस वर्टेक्स से अगर हम इसको प्रेस करके यहाँ पे दबाएंगे तो वह एक रोम्बस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार हम पेंटागोन यानी कि पंचभुज को भी यदि हम किसी भी एक वर्टेक्स के अलोंग यदि हम प्रेस करें तो पेंटागोन का जो फिगर है इस शेप से हमारा इस शेप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। और हेक्सागोन यानी कि षटभुज भी अपने आकृति को चेंज कर देता है, अपने शेप को चेंज कर देता है। यदि हम इस वर्टेक्स के अलोंग इसको प्रेस करेंगे तो हमारा हेक्सागोन का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। इसका मीन्स हमारा यह हुआ कि यदि हम ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागोन या हेक्सागोन को लेते हैं, यदि किसी किसी ए बी शीर्ष से यदि हम उसे पुशअप करते हैं, दबाते हैं, तो उसका आकार चेंज हो जाता है, बट ट्रायंगल का जो आकार है, ट्रायंगल का जो शेप है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रायंगल है वो सबसे अधिक सुदृढ़ आकृति है। ट्रायंगल जो है हमारा मोस्ट रिजिड फिगर कहलाता है। मीन्स नंबर ऑफ स्टिक्स यदि हम यहाँ पे देखें तो ट्रायंगल के लिए 3 यूज किए थे, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4, पेंटागन के लिए 5, हेक्सागन के लिए 6 और सेप्टागन के लिए 7 और ऑक्टागन के लिए 8। मीन्स चेंज ऑफ द फिगर होकर देखें तो ओनली ट्रायंगल का शेप जो है चेंज नहीं होता, बट जो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन और अदर जो हमारे शेप हैं उनके जो आकार हैं, उनकी जो आकृतियां हैं वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका हम एप्लीकेशन जो जनरल हम यूज करते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडली ऑफ ट्रायंगल इज यूज्ड इन डेली इन डे बाय डे लाइफ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोप्स, लैडर, फर्नीचर एक्सेट्रा। इसका जो हम यूज करते हैं इस मैथमेटिक एक्टिविटी का कि त्रिभुजों की जो रिजिडनेस है उसकी जो सुदृढ़ता है, यह गुण हम पुलों, सीढ़ियों, फर्नीचरों आदि के निर्माण में करते हैं।